हेलो गाइस, 1660 तक भारत में कई यूरोपीय देशों ने अपने व्यापारिक कॉलोनी स्थापित कर चुके थे, जैसे गोवा और कैलिकट में पुर्तगाल, मसूलीपट्टनम में डच, बॉम्बे, मद्रास और कैलकटा में ब्रिटेन और डैनिश ट्रांकोबार में। लेकिन ब्रिटेन का सबसे बड़ा प्रतिद्वंदी जो कि था फ्रांस, उसने अपने व्यापारिक कॉलोनी स्थापित करने की पहल में बहुत देर कर रहा था। लेकिन फ्रांस के राजा लुई द 14 और राज्य मंत्री कॉलबर्ट के नेतृत्व में 1 सितंबर 1664 को फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई। इसके पहले दो निर्देशक बने फ्रांकोइस कैरोन और मार्करा अवंचिती। फ्रांकोइस कैरोन इससे पहले डच ईस्ट इंडिया कंपनी में भी काम कर चुके थे। उन्होंने पहली बार 1668 में सूरत में कारखाने की स्थापना की, जहां अंग्रेजों का भी कारखाना था। उसके अगले ही साल 1669 में उन्होंने मसूलीपट्टनम में एक और कारखाना स्थापित किया। वहां पे पहले से डच का भी एक कारखाना था। 1674 में फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी के एक अधिकारी फ्रांकोइस मार्टिन को बीजापुर के सुल्तान के तहत एक इलाका मिला जहां पे फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हो। उनको पौंडीचेरी का इलाका मिला और पौंडीचेरी आगे जाकर फ्रेंच इंडिया का राजधानी बना। फ्रांकोइस मार्टिन फ्रेंच इंडिया के पहले गवर्नर जनरल बने। पौंडीचेरी मद्रास से बहुत दूर नहीं था। मद्रास अंग्रेजों का एक बहुत महत्वपूर्ण गढ़ था। फ्रांस और ब्रिटेन एक दूसरे के बहुत बड़े प्रतिद्वंदी थे। अगले साल 1675 में बंगाल के मुगल गवर्नर की अनुमति के साथ चंदनगर की कॉलोनी की स्थापना हुई। फ्रांसीसी की अंग्रेजों और डचों से लगातार काफी छोटे मोटे लड़ाइयां होती रहती थी। 1693 में डच ने पौंडीचेरी पर कब्जा कर लिया था, लेकिन 4 साल बाद ही इसे राइसविक की संधि के बाद फ्रांस को लौटा दिया गया था। आगे जाकर फ्रांस ने 1723 में यनम, 1725 में माहे और 1739 में काराइकल में अपनी कॉलोनी स्थापित कर चुके थे। लेनॉयर और डूमस जैसे भविष्य के गवर्नर जनरल के तहत पौंडीचेरी का विस्तार हुआ और पौंडीचेरी एक बड़ा और समृद्ध शहर बना। में यूरोप में ऑस्ट्रियाई साम्राज्य के सिंहासन के लिए युद्ध छिड़ गया। इस युद्ध में यूरोप के कई देशों ने भाग लिया, जिसमें ब्रिटेन और फ्रांस सबसे बड़े ताकत थे। इस युद्ध का असर भारत और अमेरिका में फ्रांस और ब्रिटेन के कॉलोनी पर भी पड़ा। भारत में कर्नाटिक युद्धों की शुरुआत हुई। ये कर्नाटिक आज के भारत में जो राज्य है कर्नाटका, ये वो नहीं है, ये एक अलग एक क्षेत्र है जो तमिलनाडु में आता है। कर्नाटिक क्षेत्र ये उसके बारे में है। कर्नाटिक का नवाब आता है हैदराबाद के निजाम के अंडर में। ये एक छोटा सा एक सब रीजन है हैदराबाद निजाम के अंडर में। इसी कर्नाटिक युद्ध के दौरान ब्रिटेन और फ्रांस दोनों के पास अपने महानतम कमांडर थे। ब्रिटेन के पास थे रॉबर्ट क्लाइव और फ्रांस के पास जोसेफ डुप्लेक्स। दोनों बहुत ही ज्यादा महत्वाकांक्षी थे और पूरे भारत में अपने प्रभाव का विस्तार करना चाहते थे। कर्नाटक के नवाब दोस्त अली खान की मृत्यु 1740 में हुई। उनकी मृत्यु के बाद कर्नाटक नवाब के सिंहासन के लिए युद्ध छिड़ गया। फ्रांस ने समर्थन किया चंदा साहिब का, जबकि ब्रिटेन ने समर्थन किया मोहम्मद अली का। फ्रांस ने 1746 में मद्रास पर हमला कर दिया और उसने शहर पर कब्जा कर लिया। नवाब जो कि ब्रिटेन का समर्थन कर रहा था, उसने अपनी सेना भेजी फ्रांस के खिलाफ लड़ाई करने के लिए, लेकिन फ्रांसीसियों ने नवाब की सेना को बहुत आसानी से हरा दिया था 24 अक्टूबर 1746 को अडियार की लड़ाई में। आखिरकार ऑस्ट्रियाई युद्ध का समापन हुआ और एक्सला चैपल की संधि पर 18 अक्टूबर 1748 को हस्ताक्षर किए गए। अंग्रेजों ने अमेरिका में लुइसबर्ग को फ्रेंच को लौटा दिया और फ्रांसीसियों ने भारत में मद्रास को अंग्रेजों को लौटा दिया। यूरोप में कुछ वक्त तक शांति थी, लेकिन वो शांति भारत में नहीं थी। ब्रिटेन और फ्रांस के बीच तनाव मौजूद था। 1748 में आसफ जाह वन, जो कि हैदराबाद के निजाम थे,
उनकी मृत्यु हो गई। उनके बेटे नासिर जंग नए निजाम बने। ब्रिटेन ने नासिर जंग का समर्थन किया, जबकि फ्रांसीसियों ने मुजफ्फर जंग का समर्थन किया, जो कि कर्नाटक का नवाब बनना चाहता था। फ्रांसीसियों के मदद से मुजफ्फर जंग ने कर्नाटक पर कब्जा कर लिया और 1750 में वो नासिर जंग की मृत्यु के बाद वो हैदराबाद का निजाम भी बन गया था। वो रॉबर्ट क्लाइव ने 1751 में आर्कट के युद्ध में फ्रांसीसी और कर्नाटक नवाब को दोनों को हरा दिया था और फिर पौंडिचेरी की संधि पर 1754 को हस्ताक्षर किए गए। अंग्रेजों के एक सहयोगी मोहम्मद अली खान वालेजा वो कर्नाटक के नए नवाब बने। इस हार के बाद फ्रांस के गवर्नर जनरल जोसेफ डुप्लेक्स को वापस फ्रांस बुला लिया गया। 1756 में यूरोप में सेवन ईयर्स वॉर की शुरुआत हुई। इस युद्ध में बहुत सारे यूरोपीय देशों ने भाग लिया, जिसमें सबसे बड़े ताकत थे ब्रिटेन और फ्रांस। इस युद्ध का असर अमेरिका और भारत पर भी पड़ा। भारत में तीसरा कर्नाटिक युद्ध छिड़ गया और इस बार यह युद्ध बंगाल में भी फैला। बंगाल का नवाब 23 साल का सिराजुद्दौला था। उसने अपने अनुमति के बिना बंगाल में किसी भी किले या कारखाने में सेना को नहीं बढ़ाने के लिए ब्रिटेन और फ्रांसीसी दोनों को चेतावनी दी। फ्रांसीसी ने पालन किया, लेकिन अंग्रेजों ने अपने फोर्ट विलियम में अपनी सेना का विस्तार किया, जिससे सिराजुद्दौला को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आया। उसने जून 1756 में कैलकटा पर हमला किया और उस पर कब्जा कर लिया। रॉबर्ट क्लाइव जो मद्रास में थे, उनको यह खबर मिली और वो कैलकटा के लिए निकल गए। 23 जून 1757 को प्लासी में युद्ध लड़ा गया, एक तरफ अंग्रेजी सेना और दूसरी तरफ फ्रांस और बंगाल के संयुक्त सेना। अंग्रेजी सेना ने फ्रांसीसी बंगाल की संयुक्त सेना को बहुत आसानी से हरा दिया और इस जीत के बाद पूरे बंगाल में अंग्रेज का प्रभाव बढ़ गया। फिर चंदन नगर के फ्रांसीसी कॉलोनी पर भी अंग्रेजों ने कब्जा कर लिया था। लेकिन तीसरे कर्नाटिक युद्ध का अंतिम निर्णायक युद्ध लड़ा गया 22 जनवरी 1760 को दक्षिण में वांडीवाश में। ब्रिटिश सेना की कमान संभाल रहे थे सर आयरकूट, जिन्होंने बहुत आसानी से फ्रेंच सेना को हरा दिया था, जिसकी कमान संभाल रहे थे कॉम्टे डे लैली। ये हार फ्रेंच के लिए एक करारी हार थी। पौंडिचेरी पर अंग्रेजों का कब्जा हो गया था। यूरोप में सेवन ईयर्स वॉर का समापन हो गया, जो एक ब्रिटिश जीत थी। पेरिस की संधि पर 10 फरवरी 1763 को हस्ताक्षर किए गए। इस संधि के बाद चंदननगर और पौंडिचेरी फ्रेंच को लौटा दिया गया और फ्रेंच ने अंग्रेजों के साथ सहयोग करने के लिए सहमत हो गए। इस प्रकार भारत में फ्रांसीसी महत्वाकांक्षाओं का समापन हो गया और बाद में अंग्रेजों द्वारा पूरे भारत को नियंत्रित करने का मार्ग भी खुल गया। फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी को 1769 में समाप्त कर दिया गया और इंडिया में फ्रांस के जो कॉलोनीज थे वो सीधे फ्रांस के राजा को दिया गया। इसके बाद आगे आने वाले वर्षों में भारत में फ्रेंच ने ब्रिटिश नीतियों में हस्तक्षेप नहीं किया और ना ही फ्रेंच नीतियों में ब्रिटिश ने हस्तक्षेप किया। भारत को 15 अगस्त 1947 को ब्रिटेन से अपनी आजादी मिली, लेकिन उसके बाद भी भारत के कुछ जगहों पर यूरोपीय नियंत्रण थे, जैसे पुर्तगाल के तहत गोवा, दमन और दीव, और फ्रांस के तहत पौंडिचेरी, चंदननगर, यानम, माहे और काराइकल। अपना राजनीतिक भविष्य चुनने के लिए फ्रेंच कॉलोनी में चुनाव हुए। 2 मई 1950 को चंदननगर भारत को सौंप दिया गया और फिर 1 नवंबर 1954 को पौंडिचेरी, यानम, माहे और काराइकल, ये भी भारत को सौंप दिए गए। इसके बाद अंततः भारत में लगभग 280 वर्षों के फ्रांसीसी शासन का भी अंत हो गया।